हाय गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेरे मॉनिटर सैमसंग का मॉनिटर जो 43 इंच का है M7 सीरीज का, वो मैंने क्यों लिया। इसके साथ जब मैं ये खरीद रहा था तो उसके अलावा मेरे पास और क्या ऑप्शंस थे, और 43 इंच किसको लेना चाहिए और क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। तो बेसिकली मेरी जो मेन रिक्वायरमेंट थी कि मेरे पास ऑलरेडी 27 इंच मॉनिटर थे और वो मेरे को छोटे लग रहे थे, किस चीज़ में कि मेरे को गेम खेलने और मूवी देखने में मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। मेरे पास वैसे प्रोजेक्टर भी है, बट प्रोजेक्टर में क्या होता है कि मैं आपको कुछ डार्क कर देखना पड़ता है, तो जैसे टीवी सीरीज हुई, मूवीज़ के लिए फाइन है, पर टीवी सीरीज वगैरह के लिए वो काफ़ी इरिटेटिंग हो जाता है, और गेम खेलना तो मतलब इतना ज़्यादा सही नहीं रहता प्रोजेक्टर पे, क्योंकि काफ़ी बड़ी स्क्रीन होती है और आपका थोड़ा पोस्चर भी उठपटांग से हो जाता है। तो उसके लिए एक क्रेविंग हो रही थी कि एक बड़ा मॉनिटर लिया जाए। मैंने पहले टीवी यूज़ करने की कोशिश की थी, बट जब आप टीवी यूज़ करते हो मतलब विद इन 5 फीट डिस्टेंस आपकी आंखें काफ़ी स्ट्रेन हो जाती है, और गेम जैसी चीज़ों में वो रेंडरिंग में अच्छी नहीं होती, और थोड़ा सा रिस्पॉन्स टाइम का भी फ़र्क तो आता ही है। तो मैंने सोनी का भी लगा कर देखा, माइक्रोमैक्स का भी, तो बट मेरे को उतना मज़ा नहीं है जितना मॉनिटर में आता है। तो इस वजह से भी कुछ मेरा रीज़न था। गेम में खेलता हूँ एज ऑफ एम्पायर और टेकन और सीफू करके गेम है, तो ये सब तीन गेम मेरी ज़्यादातर रहती है, तो इसके लिए मेरे को चाहिए था, तो इसलिए मैंने 43 इंच ही चुना। जब मैं सर्च कर रहा था उस टाइम कंपटीशन में आपके दो तीन ब्रांड थे, एक तो एलजी था, एक ऑफकोर्स बैंक्यू था, बैंक्यू के मेरे पास पहले भी प्रोडक्ट्स रहे हैं, और जेब्रोनिक्स था, और एलजी हो गया, और एक व्यूसोनिक का था। तो मोस्टली जो मॉनिटर्स आ रहे थे वो अगर आप बात करो कि 19,000 से कम वाली रेंज में, तो वो फुल एचडी में ही आ रहे थे, आपको 4K का कोई मटेरियल नहीं मिल रहा था। तो 20,000 से नीचे अगर आपको आपका बजट है तो आपको फुल एचडी ही मिलेगा, आपके पास कुछ और ऑप्शन है ही नहीं। अब मेरे पास क्या था कि अब उसके बाद जो ऊपर जाते हैं आप अगर फुल एचडी ना लेना हो, तो उसके ऊपर है आपका QHD जो 4K और फुल एचडी के बीच का रिजोल्यूशन है, और जो मोस्टली वो कर्व डिस्प्ले में आ रहा था। कर्व डिस्प्ले में आपके पास LG के ऑप्शन हैं और जेब्रोनिक्स के ऑप्शन है मेन। सैमसंग का भी एक आधा मॉडल है, वो थोड़ा कॉस्टली है, मेरे ख्याल से 28,000 तक जाता है। बाकी जेब्रोनिक्स का मैंने जब देखा था तो 22,000 का कुछ एक मॉडल था, और LG का आई थिंक 35,000 के अराउंड एक मॉडल था, जो कि गेमिंग मॉनिटर के नाम से आ रहे हैं, जिसकी फ्रिक्वेंसी 160 हर्ट्ज़ की है। तो एक बात ध्यान रखना कि ज़्यादा हर्ट्ज के चक्कर में मत रहना अगर आपका ग्राफिक कार्ड इतना मतलब इतना पावरफुल नहीं है। तो मैंने तो ज़्यादा कोशिश नहीं करी थी इस बारे में, मेरे को 60 फ्रेम पर सेकेंड भी एनफ लगता है। तो कर्व का लेने का एक जो मेन ड्रॉबैक है वो है कि अगर जब आप मतलब कोडिंग करते हो अगर, और आपका कुछ इस तरह का काम है जिसमें आपको रीडिंग करनी होती है, लाइंस वगैरह आती है, तो वो बहुत वियर्ड लगती हैं यूज़ करने में। तो मेरा गेमिंग के अलावा मेरा थोड़ा प्रोग्रामिंग का भी काम रहता है, तो उस वजह से मैं कर्व में जाना नहीं चाहता था, तो वो ऑप्शन मेरा बिल्कुल किल हो गया था। तो मेरे पास ऑप्शन रह गए थे कि अब 4K ले जाए फुल एचडी मेरे पास ऑलरेडी था, तो 32 इंच में और बड़ा बड़ा सब कुछ लगता है, जो कि मैं नहीं चाह रहा था। मेरे को थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए था ताकि मैं कुछ चीज़ें कंपेयर कर सकूं डिफरेंट मॉनिटर्स की जगह, मतलब एक ही मॉनिटर यूज़ कर मैं उसमें दो तीन विंडोज स्टैक कर सकूं, तो इस तरह का ऑप्शन भी मैं चाह रहा था, और 4K की वीडियो मैं देख सकूं मतलब थोड़ी बड़ी स्क्रीन पे। तो एक ये वाले जो ऑप्शंस के लिए मेरे पास 4K के ऑप्शंस आ रहे थे, 4K के ऑप्शंस में आपकी जो स्क्रीन साइज आ रही है वो 32 इंच से स्टार्टेड है। कुछ कुछ मेरे ख्याल से बैंक्यू वाला और मेरे ख्याल शायद LG भी एक 27 या 28 में 4K दे रहा है, बट बिल्कुल भी मत लेना, बहुत ही वियर्ड कॉम्बिनेशन हो जाएगा। मेरे ख्याल से 4K के लिए 43 इंच ही बेस्ट है, बाकी 32 इंच भी आप ले सकते हो अगर आप 23 इंच पहले यूज़ कर रहे हो। अगर आपके पास ऑलरेडी 27 इंच है तो 32 इंच 4K में मत लेना, क्योंकि आपको ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा नहीं। मेरे साथ भी यही केस हो रहा था, मैंने काफ़ी सर्च किया, मैंने स्क्रीन के वो देखे, तो मेरे को इतना कुछ खास लगा नहीं। और एक बात जो है कि खरीदने से पहले बस यही मैं सजेस्ट करूँगा कि 27 इंच अगर आप हो तभी आप 32 या 43 जाना, अगर आपके पास 23 इंच है तो सीधे 32 इंच पे मत जाना, बहुत इरिटेट हो जाओगे, क्योंकि स्क्रीन को आपको आदत बनानी पड़ती है, क्योंकि बहुत बड़ी स्क्रीन होती है आपकी आंखों के सामने, तो आपको बार बार इतना आके मतलब बहुत ज़्यादा मूवमेंट की जरूरत पड़ती है। तो मेरे को थोड़ी सी आदत हो चुकी थी, एक दो साल मैंने यूज़ किया है 27 इंच, और मेरे को अब छोटा लगने लगा था, इस वजह से मैं थोड़ा अप गया। अब बाकी डिस्कस कर लें कि सैमसंग का जो M सीरीज है वही क्यों मैंने चूज़ की और कोई क्यों नहीं करी। तो सैमसंग के काफ़ी आ रहे हैं मॉनिटर, दूसरे भी स्मार्ट मॉनिटर, पर M सीरीज में जो मेरे को मेन बेनिफिट लगा वो टाइप सी पोर्ट था, तो और एक रिमोट तो आता ही है, रिमोट का भी इतना मेरे को नहीं था, बस मेरे को ये था कि अब जो नया मॉनिटर लूंगा मैं, एक तो 4K होना चाहिए
और प्लस उसमें एक अलग सा पोर्ट होना चाहिए जो मेरे मोबाइल से भी कनेक्ट हो सके समहाउ, मतलब। तो टाइप सी जब मैंने देखा, मैंने कहा हाँ यार ये तो सही है। तो टाइप सी का अब ये नहीं था कि मिररिंग हो सकती है नहीं हो सकती, और चार्जिंग भी प्रोवाइड कर रहा है तो कैसे कर रहा है, और मतलब काफ़ी सारे डाउट्स थे जो मोस्टली वीडियोस में नहीं बता रखे। तो वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि टाइप सी आपकी मिररिंग सपोर्ट करता है। तो आप अगर आपके पास एस सीरीज के फ़ोन है, फोल्ड सीरीज़ के फ़ोन है, या एल जी V20 या V40 है, और भी जो दूसरे पुराने फ़ोन जिसमें टाइप सी टू वीडियो आउटपुट होता था, तो उसमें मिररिंग हो जाती है, मतलब यूं का यूं बिना कुछ करे हो जाता है। आप टाइप सी पोर्ट पे स्विच करो और उसमें मिरर हो जाएगा आपका। इसमें प्लस इसमें डेक सपोर्ट है, वायरलेस डेक सपोर्ट है। तो जो आपके सैमसंग के फ़ोन्स हैं, अल्ट्रा सीरीज़ के फ़ोन हो गए या एस सीरीज़ के फ़ोन हो गए जिसमें डेक सपोर्ट है, तो आप सीधा मिरर करोगे तो आपका एक डेस्कटॉप खुल जाएगा और फ़ोन आप साइड में रख सकते हो। उसकी भी मैं वीडियोस बनाऊंगा काफ़ी आगे। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स थे जो मेरे को अगर यूज़ करने हैं अपने मॉनिटर में, तो मेरे को एक डोंगल खरीदना पड़ता है टाइप सी वाला, उसके लिए फिर मेरे को HDMI लेकर जानी पड़ेगी, तो काफ़ी तामझाम था। तो ये मेरे दो पर्पज़ सोल्व कर रहा था, एक तो मेरे मोबाइल से सीधा मिररिंग सपोर्ट कर रहा था, और प्लस जो मेरे पास लैपटॉप है वो भी थंडरबोल्ट पोर्ट का है जिसमें चार्जिंग एंड डिस्प्ले आउट एट द सेम टाइम आप कर सकते हो। तो मेनली एक एडेप्टर यूज़ करना भी थोड़ा सा मतलब फ्री हो गया मैं उससे, क्योंकि ये इसमें टाइप सी में आप कनेक्ट करके सीधा लैपटॉप को टाइप सी में कनेक्ट करो, ये चार्जिंग भी लेता रहता है और आपकी स्क्रीन भी ब्रॉडकास्ट कर देता है। तो ये बहुत किलिंग फीचर थी। इस तरह का मॉनिटर एक और आ रहा है, बस BenQ का आ रहा है, बट वो 32 इंच में था और काफ़ी कॉस्टली था 4K का, मतलब आई थिंक इट वॉज कॉस्टिंग अराउंड मोर देन 39,000 to 42,000, ऐसा कुछ कोट मेरे को दिखा था। तो 32 इंच में 4K मैं लेना ही नहीं चाह रहा था। तो जो दूसरे ऑप्शंस थे मेरे पास 32 इंच में ही थे मोस्टली, जो 30,000 तक की रेंज में जा रहे थे। आई थिंक एक LG का था जो 60Hz का था, तो 4K के 60Hz के ही मोस्टली आ रहे थे। थोड़ा सा पोर्ट में डिफरेंस था, किसी में डी पोर्ट था, किसी में सिर्फ HDMI पोर्ट ही थे, और टाइप सी मैंने बता दिया BenQ और सैमसंग वाले मॉनिटर में ही थे। तो जब मैंने सब कुछ शॉर्टलिस्ट किया, मैंने 32 इंच लगाकर देखा, तो मेरे को लगा कि शायद मेरे को दोबारा क्रेविंग हो कि उससे ज़्यादा स्क्रीन बड़ी चाहिए, तो क्योंकि मेरा मूवी थोड़ा देखने का रहता है और मैं कोडी बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करने लगा, मैंने कलेक्शन बनाना शुरू किया थोड़ा सा। तो मैंने कहा कि मैंने कहा नहीं यार अब 43 इंच लिया जाए। तो जब मैंने 43 इंच के फिल्टर मारा, तो एक ही मॉनिटर था जो सैमसंग का था, और इसमें सारे ऑप्शन मेरे मतलब के ही आ रहे थे, क्योंकि HDMI था, रिमोट था, साउंड, और जब रिमोट और एंटरटेनमेंट की बात करते हो तो इसमें स्पीकर भी अच्छा आता है, TV टाइप का आता है। BenQ में भी स्पीकर्स आ रहे हैं और भी LG के मॉनिटर्स में आ रहे हैं, बट वो काफ़ी स्लो है मेरे ख्याल से, 3W कैपेसिटी के आ रहे हैं, इसमें शायद 5W के दो हैं, मैं अभी कन्फर्म नहीं हूँ कि कितने के हैं, बट साउंड बहुत सही है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जब आप डेस्कटॉप के पास रहते हो तो आप विद इन 5 फीट की, 5 फीट भी कहाँ, मेरे ख्याल से आई थिंक 2 फीट की दूरी पे आप बैठते हो, तो उसके लिए साउंड बहुत एनफ है। एक जो ड्रॉबैक है सैमसंग में साउंड आउटपुट से रिलेटेड, कि उसमें आउट नहीं है, ऑडियो आउट नहीं है, तो क्योंकि BenQ के मॉनिटर्स में होता है, बट उसमें भी प्रॉब्लम रहती है कि आप स्पीकर लगाओगे तो स्पीकर का पूरा आउटपुट नहीं आ पाता, बट एक ऑप्शन रहता है, इसमें वो है नहीं, बट इन्होंने एक HDMI ARC का पोर्ट दिया हुआ है, तो अब अगर आप कोई साउंड बोर्ड लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। तो बट मेरे को मीनिंगलेस लगा, क्योंकि जब आप मॉनिटर लेते हो तो 2-3 डिवाइसेस तो कनेक्ट रहते हो, बट मेरे ख्याल से शायद मोबाइल या एक लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ आप कोई साउंड बार यूज़ करना चाहते हो तो शायद उसमें काम आ जाए। मैंने टेस्ट नहीं करा है, क्योंकि मेरी वहाँ पे सेटअप है साउंड बार, तो अभी तो कोई आइडिया नहीं है, बट एक इन्होंने ऑप्शन दे रखा है। और बाकी मिररिंग का ऑप्शन है, बाकी एक बारी जब मैं मेन्यूज बताऊंगा तो मैं बता दूंगा कि इसमें क्या ड्रॉबैक्स है क्या नहीं है। बाकी ये थोड़ा सा मेरा व्यू था कि मैंने ये क्यों चूज़ किया। बाकी अब नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं स्मार्ट मॉनिटर कैसा है और इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी इन्होंने प्रोवाइड की है। सो गाइज, ये मेरा सेटअप है। तो बीच में जो आप देख रहे हो ये 4K हमारा सैमसंग का 43 इंच मॉनिटर है, ये साउंड क्लाउड वॉकर की साउंड बार रखी हुई है। साइड में 27 इंच का मॉनिटर है, ये 22 इंच है, ये अगेन 27 इंच है, और वो फिर 22 इंच है। तो ये थोड़ा सेटअप मैंने चेंज किया है। अब ये थोड़ा इतना सही नहीं लग रहा जहाँ तक जैसा पहला था, बट मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने इसको लगाया है। अब थोड़ा सा फोकस करते हैं सिर्फ मॉनिटर की फंक्शनैलिटी पे। तो अब आपको जैसा कि इसको थोड़ा सा देखकर ना थोड़ा ओवरव्यू लग जाएगा कि अगर आप डेस्कटॉप पे इसको यूज़ करोगे तो ये कितना छोटा लगने वाला है। तो अगर आप मेरी बात मानो, तो अगर
ये थोड़ा डेस्कटॉप पे आपको थोड़ा आदत लगने में काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि काफ़ी छोटा लगता है। ठीक है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज बढ़ाया, मैंने जूम नहीं किया है। जूम करने से क्या होता है कि आपका रिजोल्यूशन भी कम हो जाता है, बट मेरे को 4K का पूरा एरिया चाहिए था, तो मैंने क्या किया, सिर्फ टेक्स्ट साइज थोड़ा सा जूम किया है। अगर आप देखो तो इसके थोड़े से टेक्स्ट आपको थोड़े से वियर्ड लगेंगे। बाकी अभी पर्पस तो मेरा सॉल्व हो रहा है। बाकी एक बार ही मैं दिखा देता हूँ, विंडो जब आप स्नैप करते हो चारों तरफ वो कितनी रेजोल्यूशन में रहती है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने इसको जो करा है, मैंने चार उस पर करा है, और आप ये देख सकते हो कि ये ऑलमोस्ट फुल HD वाले मॉनिटर की फील देता है चारों। तो आप आराम से इनको चारों को रखकर आपको ऐसी फील आएगी कि आप चार मॉनिटर यूज़ कर रहे हो। मेरे को आदत थी जैसे मैं साइड बाय साइड मॉनिटर यूज़ करता हूँ, बट काफ़ी कंपैरिजन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मैं इस अलोन मॉनिटर पे कर पा रहा हूँ अभी। क्योंकि मोस्टली क्या होता था कि जैसे ये जो 22 इंच के मॉनिटर हैं, ये अगर आप इसको जैसे पोर्ट्रेट मोड में यूज़ करते थे तो काफ़ी वेबसाइट्स ना कम रह जाती थी, तो मेरे को 90% पे इसे कम करना पड़ता था, फिर जाकर मैं थोड़ा सा यूज़ कर पाता था। बट उसकी वजह से क्या होता था, टेक्स्ट भी काफ़ी छोटे जाते थे। तो ये प्रॉब्लम इसमें नहीं है, इसको इतना कर कर आप आराम से कंपेयर कर सकते हो। आप, मैं यहाँ पे एंट्री कर सकता हूँ या मेरे को प्रोग्रामिंग करनी हो, मैं दो इसमें विजुअल स्टूडियो और विजुअल स्टूडियो कोड में यूज़ कर कर और फिर यहाँ पे एक मैं प्रीव्यू, और दोनों के प्रीव्यू आराम से ले सकता हूँ, तो मेरे को इतनी कुछ खास प्रॉब्लम लगी नहीं। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो कि मल्टी मॉनिटर सेटअप है, तो उस केस में भी आप 4K ले सकते हो और मल्टी मॉनिटर का भी फ़ायदा उठा सकते हो। तो ये तो हो गई स्क्रीन रिजोल्यूशन कैसा रहता है, कितना सही है। अब थोड़ा सा इसके होम स्क्रीन पर जाकर देखते हैं कि एक्चुअली जो मॉनिटर, स्मार्ट मॉनिटर हम कहते हैं, वो क्या है। तो ये इसका मेन होम स्क्रीन आप इसे कह सकते हो। ये इसका कुछ इस तरह का रिमोट आता है जिसमें होम का बटन है, बैक का, प्ले और पॉज है। अब इसमें एक चीज़ आप नोट करोगे, इसमें इनपुट सोर्स नहीं है, जो सबसे वियर्ड और इरिटेटिंग चीज़ है इसमें। तो आपको अगर एकदम सोर्स चेंज करना हो तो वो आपको मिलेगा नहीं, जो ऑलमोस्ट टीवी, हर एक टीवी में होता है। मुझे नहीं पता इन लोगों ने ऐसा क्यों करा है, पर ये काफ़ी लाइक क्या बोलते हैं, इरिटेटिंग सा मेरे को लगा चीज़, पर ऐसे ही है। जब जैसे आप इसको देख रहे हो ना, आप देखो दोनों में पीसी पीसी है, आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि HDMI 1 और HDMI 2 है। अभी फ़िलहाल के लिए इसको HDMI 1 और दूसरे को HDMI 2 लेकर चलते हैं, और तीसरा मोबाइल के हिसाब से आता है अगर आप उसमें कुछ कनेक्ट करते हो तो। तो जैसे अब मैंने इस पर क्लिक किया, तो इसने हमारा जो मेन, मेरा लोकल होम सिस्टम जो कनेक्टेड है, वो होम होम सर्वर, वो इस पर कनेक्टेड है। अब जैसे इसको मैं जब वापस जाऊँगा होम पे, तो ये फिर मेरे को सोर्स सिलेक्ट करने के लगेगा, भाई तुम्हें दूसरे सोर्स में तो नहीं जाना। और इसमें आप एक और ऑप्शन देख रहे होगे सैमसंग डेक्स का, जब आप इसको कर दोगे तो मिररिंग मोड में आ जाता है। तो अगर जो आपकी सैमसंग की डिवाइसेस हैं वो आप इस पे प्रोजेक्ट करना चाहो तो वो भी आ जाएंगी, वो भी मैं कर कर दिखाऊंगा आपको। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, बट मैं बना देता हूँ एक, जिससे सबको आइडिया लग जाएगी ये मॉनिटर करता क्या है। और इसमें देखो एक फीचर हो रहा है, ये विंडो Microsoft 365 वाली, इसके थ्रू आप वर्ड भी इसमें यूज़ कर सकते हो। उस टाइम आपको USB पोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मेरे पास एक ब्लूटूथ डोंगल वाला है, तो मैंने ब्लूटूथ डोंगल इसके पीछे लगा दिया था, और फिर इसको मैंने माउस और कीबोर्ड यूज़ करके मैंने इसको आराम से यूज़ कर लिया था, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये एक माइक्रो, ये एक्चुअली वेब सर्विस है कुछ नहीं है, ये एक्चुअली ब्राउज़र पे आपका वो लॉगिन वॉगिन करवा कर सब कुछ हाइड कर देता है। ये सेम चीज़ है जैसे मोबाइल में आपको जब होता है ना कि आप इसको होम स्क्रीन पे लगा दो, और जब होम स्क्रीन पे क्लिक करते हो तो वो पूरी ऐप आ जाती है वेब ब्राउज़र के सारे कंट्रोल हटाकर, तो वो सेम चीज़ें कर रहे हैं। आप थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि मीडिया में क्या दिखा रहा है ये, इसके ये कुछ ऑप्शन है। और जब आप किसी कंप्यूटर से कनेक्ट होते हो तो मेरे ख्याल से वर्क स्पेस ये बाय डिफ़ॉल्ट इस पे होम पे रहता है, और जब आप मीडिया पे जाओगे तो मीडिया पे आपके पास ये पूरा इंटरफेस आ जाता है। तो जिसके पास भी सैमसंग का नॉर्मली टीवी होगा, वेबोस बेस, एंड्रॉयड बेस नहीं, वेबोस, तो उसमें ये सब ऑप्शन रहेंगे। अब एक जो मेन बेनिफिट मेरे को लगा सैमसंग का टीवी खरीदने का, उसमें एक सैमसंग की टीवी प्लस की ऐप है, इसमें आपके काफ़ी फ्री चैनल्स हैं, जैसे टीवी वगैरह, NDTV वगैरह, म्यूज़िक चैनल्स हैं जो बिना सब्सक्रिप्शन के आप आराम से देख सकते हो। तो मतलब अगर आपको सिर्फ नॉर्मली टाइम पास के लिए कुछ है तो सैमसंग का लेकर, जैसे टैबलेट्स में भी ये ऑप्शन रहता है, क्योंकि और किसी में आप इसको इंस्टॉल नहीं कर पाते सैमसंग टीवी प्लस को, तो ये इसमें इंस्टॉल हुआ हुआ आता है। तो ये एक चीज़ मेरे को सही लगी,
जब आप इस पर क्लिक करोगे टीवी प्लस को, तो ये आपको चैनल्स दिखा देगा। और ये इस तरह से आएगा और फिर हम इसे क्लोज कर सकते हो। देखिए जुर्म ये मैं थोड़ा सा वो हूँ कि मतलब कहीं कॉपीराइट ना आ जाए किसी तरह की, तो सॉरी अबाउट डैट कि मैं आपको पूरी वीडियो तो नहीं दिखाऊंगा इसमें, वो शायद मैं थोड़ा सर्च करके फिर कंटेंट वाइज दिखाऊंगा। बट ये एक इसका एक ऑप्शन है। अब इसमें नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, एप्पल टीवी, यूट्यूब है। अब इसमें एक जो चीज़ बड़ी मज़े की है जो इन्होंने पता नहीं मार्केट नहीं करी या हम देख नहीं पाए, वो है इसका असिस्टेंट। अगर आपने सैमसंग का कोई फ़ोन लिया है तो आप उसमें यूज़ कर सकते हो। तो इसका एक स्मार्ट असिस्टेंट है जो इसमें इनबिल्ट है, इसको आप कर सकते हो। जब आपका मॉनिटर पहली बार कॉन्फ़िगर के लिए होता है तो ये पूछता है आपसे कि आपको इसका बिग्सबी वाला चाहिए या आप एलेक्सा इसमें इंटीग्रेट करना चाहते हो। तो मेरे पास जैसे कि आपको मैंने पहले भी दिखाया हो कि मेरे पास इको शो 8 है, तो मेरे को इसमें कॉन्फ्लिक नहीं करना था कि मैं जब भी एलेक्सा बोलूँ तो ये वेकअप हो जाए। तो इसमें एक बहुत मज़े की फ़ीचर है कि अब जैसे मॉनिटर को आप स्टैंड बाय मोड में, आप उसमें ऑप्शन आता है कि आप क्या इसको ऑलवेज ऑन रखना चाहते हो। ऑलवेज ऑन का मतलब कि हमेशा ये लिसन करने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा टीवी है ये तो मेरा ऑन ही रहता है मोस्टली, तो मैंने कहा हाँ कर लेते हैं क्या है। तो उसमें देखो क्या होता है, जैसे मैंने ये टीवी अब मैं इससे बंद कर रहा हूँ और ये ब्लूटूथ बेस रिमोट है, तो आप कहीं पे भी इसको पॉइंट कर आप इसे ऑफ कर सकते हो। अब मैं इसमें मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया है कि हाय बिक्सी, तो ये वेकअप होना चाहिए। हाय बिक्सबी, टर्न ऑन मॉनिटर। तो ये आप दुबई जा रहे हैं? देखिए ये प्लीज मेरे लिए एक ऊंट ले आना। तो ये देखिए इसमें ये आ गया है। अरे ये जा क्यों नहीं रहा? अच्छा होम बटन जा। तो ये इस तरह से एकदम ऑन हो जाता है। लास्ट इनपुट जो भी एक्टिव होता है उस पर हो जाता है। हमने टीवी प्लस चलाया था इसलिए ये उस पर आया। पीसी होता तो पीसी पे हो जाता। और एक जो बहुत सही चीज़ है जो इन्होंने मेरे ख्याल से इसको ठीक, मतलब जो इनकी कमी थी इनपुट की, जैसे इसमें इनपुट के बटन में जैसे बताया था कि है नहीं, तो उसको इन्होंने उस तरह से ठीक कर दिया। जैसे अब मैं इनपुट चाहता हूँ कि HDMI 2 पे चला जाए। अब मान लो मैं इस पे हूँ, मैंने पीसी ऑन करवा रखा है, अब मैं चाहता हूँ HDMI 2 पे चला जाए, तो उसके लिए मेरे को क्या कमेंट करनी पड़ती है? हाय बिक्सबी, हाय बिक्सबी, स्विच टू HDMI इनपुट 2। इसने थोड़ा गलत सुन लिया है क्योंकि एलेक्सा जितना कैपेबल तो नहीं है, क्योंकि इसमें इस तरह से एरे ऑफ माइक नहीं है। बट फिर भी हम दोबारा कोशिश करते हैं। हाय बिक्सबी, स्विच टू HDMI 2 इनपुट। स्टिल नॉट एबल टू गेट इट। आप इसका क्योंकि माइक इसका मॉनिटर से ले रहा है, अगर आप इसको होल्ड कर करोगे तो इससे ज़्यादा सही से चलता है। स्विच टू HDMI 2 इनपुट। ये देखिए इसने एकदम इसको स्विच कर दिया इजीली। तो आप वॉइस कमांड के थ्रू भी इसको कर सकते हो, क्योंकि HDMI 2 इनपुट में मेरा अभी PC ऑन नहीं है तो इस वजह से ये कुछ दिखाएगा नहीं। तो इसकी बहुत सही फीचर है ये। अब देखो इसमें क्या है कि अब ये इस पे ही रहेगा, ऑटोमेटिकली स्विच नहीं होता है। तो हम दोबारा बोलते हैं हाय बिक्सबी, स्विच टू HDMI 1 इनपुट। आई कुडंट चेंज द चैनल राइट नाउ। ओह बॉय, ये तो बहुत खराब चल रहा है आज, पता नहीं क्या हो गया। रिमोट से करता हूँ। स्विच टू HDMI 1 इनपुट। I'm not able to switch to that source. You can check the तो अब connection or choose another one from this list. अब देखिए इसमें ऐसे ऑप्शन आ गए, तो आप इस पे कर आप इस पे सीधा क्लिक कर सकते हो। तो मुझे नहीं पता कि ये इतना वियर्ड क्यों चल रहा है, बट ये इसमें एक वॉइस कमांड का ऑप्शन रहता है। कंसिस्टेंसी अगर आप कहो तो 80% है। एलेक्सा की मैं 98% कहता हूँ, तो इसकी 80% ही है।
और अभी मैं थोड़ा दूर भी बैठा हूँ क्योंकि आप मेरा वीडियो बना रहा हूँ इस वजह से, वरना मैं थोड़ा सा ऑलमोस्ट 30 सेंटीमीटर थोड़ा और क्लोज होता हूँ तो शायद उस वजह से वो जल्दी पकड़ पाता हो, तो एक ये भी रीज़न हो सकता है। बाकी होम में और देख लेते हैं और क्या ऑप्शन है हमारे पास। सर्च का है, और क्या है, होम पे आ जाते हैं। तो ये मैंने आपको दिखा दिया सैमसंग टेस्ट सपोर्ट में मोबाइल आ जाता है। अब मोबाइल में एक्चुअली शूट मैं उसी से ही कर रहा हूँ तो इसलिए मैं शायद दिखा ना पाऊँ, पर लेट्स ट्राई, शायद मैं दिखा पाऊँ कि अगर मैं इसको उस मोड में लेकर आऊँ डेक्स में। लेट जस्ट स्विच टू डेक्स एंड तो गाइस मैं दूसरे फ़ोन से यूज़ कर रहा हूँ डेस्क सपोर्ट, वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त नहीं चलता है तो इस वजह से मेरे को प्रॉब्लम आ गई। तो अब जैसे कि डेस्क सपोर्ट मैंने ले रखा है और मैंने अब अपने मोबाइल में इसको डेस्क सपोर्ट को मैं क्लिक कर रहा हूँ, और ये आया नहीं। अच्छा अभी देखिए इसमें ये ऑप्शंस दे रहा है कि 43 इंच किस में डालना है, तो मैं 43 इंच वाले में करता हूँ और देखते हैं क्या ये जाएगा उधर। अभी देखिए सैमसंग डेक्स करके शुरू हो गया है और ये इसका अपना इंटरफेस खुल गया है और इसमें तो मेरा कैमरा चल रहा है बट उसमें डेक्स सपोर्ट खुल गया है। अभी मेरे पास कोई ब्लूटूथ कीबोर्ड वगैरह नहीं है तो मैं इसको यूज़ करके दिखा नहीं पाऊँगा आपको। या एक्चुअली मैं शायद दिखा पाऊँ आपको, हाँ आ रहा है, ठीक है। ये मेरा ब्लूटूथ का कीबोर्ड है जो मेरे फ़ोन से कनेक्टेड है, तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ और ये मेरे फ़ोन की एप्लीकेशंस हैं। तो ये डेक्स देखो कितना सही चल रहा है और आप मोबाइल भी यूज़ कर सकते हो। इसमें फ़ोन ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम आ गई है क्योंकि मैं काफ़ी देर से रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो ये एक ऑप्शन है डेक्स सपोर्ट का। सो गाइस ये यूट्यूब पे इसका सैम्पल देख लेते हैं 4K का। तो ये 2160 है 4K, अगर आपको दिख रहा हो तो मेंशन कर रखा है उन्होंने, तो ये मैंने सेलेक्ट करी हुई है। अब इसकी क्वालिटी देख लेते हैं, मैंने म्यूट करा हुआ है इसको, इसमें एक मोड और है कि पिक्चर मोड या उसमें आपको देखना मूवी मोड में, जैसे अगर आप इसको यूज़ करते हो तो इसके लिए आपको होम में जाकर सेटिंग्स में टू चेंज द पिक्चर मोड टर्न ऑफ आई सेवर बाय गोइंग टू क्विक सेटिंग्स। ये कहाँ से आता है, तो ये ऑप्शन था, ये मैंने आज पहली बार देखा। तो ये आप ये ऑप्शन हटा कर ये देख सकते हो कि कितना इसमें क्लियर आ रहा है। अभी मैं रियल टाइम में देख रहा हूँ तो मेरे को काफ़ी ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली मैं शायद विंडो से ही देख रहा हूँ,
ये थोड़ा सा फ़ायदा रहता है बड़ी स्क्रीन लेने में। तो ये इसकी वीडियो क्वालिटी है 4K के, बिल्कुल जो ये क्लेम कर रहे हैं बिल्कुल सही है ये इतनी वीडियो क्वालिटी। अच्छा गाइज, इसमें एक ऑप्शन और है, आप जैसे होम पे जाओगे और सेटिंग्स में जाकर मल्टी व्यू में जाओगे तो उसमें एक ऑप्शन है कि मल्टी व्यू का। इसमें क्या है कि आप एक सोर्स और साथ में मिररिंग आप कर सकते हो। तो मतलब जैसे पहले सोनी के टीवीज में आता था कि आप एक स्क्रीन अलग से लगा सकते थे, इसमें वो हटाकर इसमें क्या है कि जैसे मल्टी व्यू में अगर मैं लूँ तो आप देखोगे कि एक कंप्यूटर और प्लस एक मोबाइल स्क्रीन आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो मतलब साइड बाय साइड ये आपको दिखा देगा। तो ये ऐसा भी ऑप्शन है, उसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाने की तो बना दूंगा, बट एक ऑप्शन मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसी में ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं मिररिंग कर नहीं पाऊँगा। ये एक बार कोशिश करते हैं। तो भाई सैमसंग के फ़ोन से कोशिश करते हैं। अब जैसे कि देखो ये पूरा मेरा ये पीसी का व्यू है और ये जो ब्लू स्क्रीन बीच में है यही एक मिररिंग की एक ऑप्शन आ रही है इसमें। तो मैं अपने फ़ोन से स्मार्ट व्यू पे क्लिक करता हूँ। अरे क्या क्लिक हो गया, फ़ोन टू अदर डिवाइस ये सिलेक्ट कर लिया हमने। अब इसमें देखिए ये इसमें मल्टी व्यू का ऑप्शन है, तो मेरे ख्याल से शायद सैमसंग की डिवाइसेस ही सपोर्ट करती होगी इसमें। इसमें मल्टी व्यू का मतलब कि एक स्क्रीन की दूसरी स्क्रीन आप चलाना चाहते हो। तो जब मैंने इस पर क्लिक करा तो ये इसमें अब दिखाना चाहिए। अब ये देखो ये इस पर कनेक्ट हो गया है, ये हमारी स्क्रीन मिरर हो गई है और आप उस पर कंप्यूटर भी यूज़ कर सकते हो। तो ये टू वे भी प्रोवाइड करता है, बट इसका जो एक मेन चीज़ यही है कि ये सिर्फ मिररिंग पे ही काम करता है टू वे। ऐसा नहीं है कि आप टीवी एक जगह देख लो और कंप्यूटर एक जगह लगा लो, और इसको आप इस इंटरफेस को आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे अब ये मैंने सेलेक्ट किया, इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये पूछेगा कि इसको फुल स्क्रीन पे करना है या इसकी पिक्चर इन पिक्चर की पोजीशन चेंज करनी है। तो जैसे अगर मैं इसकी पोजीशन ही चेंज करना चाहता हूँ तो ये मैं ऐसे ले जा सकता हूँ इसको, ठीक है। और अगर इसको स्विच करना है मतलब ये पूरा मेरा इस पर आ जाए और जो पीसी है उसकी स्क्रीन छोटी हो जाए, तो ये वाला भी ऑप्शन इसमें ये प्रोवाइड कर रहा है। जैसे स्विच का जो ऑप्शन है अब ये उल्टा हो जाएगा, अब देखो स्क्रीन उसमें चली गई और ये मिरर पूरा हमारा इसमें आ गया। और सिमिलरली इसमें एक और ऑप्शन है कि इसको ही क्या फुल स्क्रीन करना है, तो ये हमारा फ़ोन पूरा मिरर मोड में आ जाएगा, या मतलब ये वाली स्क्रीन पूरे फुल स्क्रीन पे हो जाएगी। तो इस तरह का ये मल्टी व्यू भी प्रोवाइड करता है। बाकी एक बड़ी समरी ले लेते हैं। सो आपको आइडिया लग गया होगा कि ये मॉनिटर क्या क्या कितना कैपेबल है, और इसका साउंड सिस्टम भी काफ़ी बेटर है। वैसे तो मोस्टली जब हम यूज़ करते हैं तो ब्लूटूथ स्पीकर या कुछ और सेटअप के साथ यूज़ करते हैं, बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि अगर मेरे को खाली वीडियोज़ देखनी हो इसके जो इसका जो इंटरफेस है वेबओएस जो सैमसंग का होता है उसमें देखनी हो, तो उसके लिए भी ये काफ़ी एनफ है मेरे को। मैंने कभी भी 100% पर उसको यूज़ नहीं किया है, तो मैक्सिमम मैं जाता हूँ इसमें ऑलमोस्ट 3 फीट की दूरी तक ही जा पाता हूँ, क्योंकि ये कंप्यूटर मॉनिटर है, ध्यान रखना टीवी नहीं है। तो उसका ऐसा मत करना कि मॉनिटर को खरीद लो और सामने लगा दो, क्योंकि जो मॉनिटर जो टीवी है 4K वो काफ़ी मेरे ख्याल से 10,000 का फ़र्क है 27,000 का। मॉनिटर थोड़े रीडिंग पर्पज़ के लिए और जो प्रोग्रामिंग आप करते हो और जो इसका रिफ्रेश रेट होता है, जो स्क्रीन कितनी रिफ्रेश जल्दी होती है वो इसमें ज़्यादा बेटर होती है। इस वजह से इसमें आपको जो आईज होती है आपको आईज पे स्ट्रेन नहीं पड़ता, तो इस वजह से मॉनिटर पॉपुलर हुए हैं ज़्यादा 43 इंच में। तो ये इसमें एक बड़ी समरी ले लेते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। एक तो 3 पोर्ट HDMI, 2 HDMI, 1 Type-C, Type-C कैपेबल है। वीडियो डिस्प्ले का भी जो इन्होंने कहीं मेंशन नहीं करा है, प्लस इसमें आप वायरलेस डेक सपोर्ट भी आपने देखा कि है। सैमसंग मॉनिटर अगर आपके पास सैमसंग डिवाइसेस हैं तो उसमें एक पिक्चर इन पिक्चर वाला भी ऑप्शन है, जिसमें आप एक तरफ कंप्यूटर और साइड में आप एक और स्क्रीन पे आप स्क्रीन मिररिंग कर सकते हो। तो एक उसमें वो भी ऑप्शन है हमारे पास। और बाकी इसमें एक ऑफिस 365 का भी ऑप्शन है, वो मैंने कॉन्फ़िगर नहीं कराया तो मैंने दिखाया नहीं आपको।
और बाकी डेस्क सपोर्ट के अलावा इसका वेब होस्ट है जिसमें नेटफ्लिक्स वगैरह सब एंटरटेनमेंट की एप्लीकेशन चल सकती है। ओनली डाउनफॉल इज कि आप अपनी कस्टमाइज ऐप जो आपकी थर्ड पार्टी ऐप्स है वो आप इसमें इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे जो भी अवेलेबल नहीं है। जैसे अगर आप कोडी के फ़ैन हो तो कोडी आप इसमें इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, एटलीस्ट मेरे को तो कोई ऑप्शन मिला नहीं उसको इंस्टॉल करने का। और बाकी उसके अलावा और क्या है कि बस स्विचिंग है। अब थोड़ी सी इसकी कॉन्स की बात कर लेते हैं, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। जब आप 4K मॉनिटर लेते हो फुल HD से हट के, तो आपको एक तो HDMI केबल्स आपको बदलनी पड़ेंगी। जो HDMI केबल इथरनेट सपोर्ट करती है वो ज़्यादा बेटर चल रही है इसमें। मैंने Amazon Basics की उठाई थी बट उसमें फ्लिकरिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, जैसे नाइट टाइम में या कोई जैसे डिशवॉशर चलता है कुछ चलता है तो फ्लिकरिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो उसके लिए मेरे को ऑलमोस्ट 1100 की एक केबल खरीदनी पड़ गई, एक जो इनके साथ आई थी वो भी कंसिस्टेंट वर्क करते हैं, बट केबल आपको दोबारा लेनी पड़ती है क्योंकि फ्लिकरिंग बहुत ज़्यादा। जब BenQ मैंने लिया था तो उस टाइम की लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन ही मैंने HDMI केबल उठाई थी, और अब वो शायद आउटडेटेड हो गई है इन मॉनिटर्स के अलावा। और ये इसमें एक फ्लिकरिंग की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, मतलब जैसे काफ़ी बार स्टैंड बाई पर रहता है ये मॉनिटर और जब आप इसको स्विच करते हो तो काफ़ी फ्लिकरिंग करता है। तो आपको क्या करना है कि आपको उसको रीसेट करना पड़ता है, पीछे से आप ऑफ़ कर दो तो ये ऑफ़ हो जाता है। और जो की बेनिफिट्स हैं इसके, मतलब ये फ्लिकरिंग की मेरे को मेन प्रॉब्लम लगी, और दूसरा सोर्स का भी थोड़ा सा पंगा रहता है बट मैंने उसका एक वे अराउंड मतलब निकाल दिया है। क्योंकि ये TV सैमसंग का है तो इसमें स्मार्ट थिंग्स कैपेबल है ये, तो आप स्मार्ट थिंग्स में आपको ये एक्सेस हो जाता है, और इवन होम असिस्टेंट पे भी ये एक्सेस हो गया था। मुझे नहीं पता ये कौन से प्रोटोकॉल पे वर्क करते हैं, बट जब मैंने देखा तो उसमें न्यू डिवाइसेस में लिस्ट हो रहा था तो मैंने उस पर यस करा, तो इसने अलाउ कर अब मैं होम असिस्टेंट के थ्रू भी इसको ऑन ऑफ कर सकता हूँ। प्लस ये स्मार्ट थिंग्स में भी ऐड हो गया था तो स्मार्ट थिंग्स के थ्रू भी मैं इसको कंट्रोल कर पा रहा था। तो उसमें ऑप्शंस आ रहे थे मेरे पास कि आप इनपुट चेंज कर सकते हो, तो मैंने एक रूटीन लिखा जो एलेक्सा में जब मैं कहता हूँ कि स्टार्ट माई PC तो ये क्या करता है कि मेरे PC में वेकअप कमांड वगैरह चलाता है, और इसमें क्या करता है स्मार्ट थिंग्स के थ्रू ये इनपुट भी चेंज कर देता है। तो अर्लियर मैं क्या करता था कि मैं इसको स्लीप मोड में डालता था और दूसरे को वेक करता था, तो ये क्या करता था BenQ का मॉनिटर अपने आप इसको ऑटो डिटेक्ट कर लेता था, बट इसमें वो फीचर उस तरह से नहीं काम करती। इसमें ऑटो डिटेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हम डिस्कस कर लेंगे किसी को इन डेप्थ इसके बारे में जानना हो तो। बाकी मैंने तो स्मार्ट थिंग्स के थ्रू करा है तो वो भी डिस्कस करना हो तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको बताऊंगा प्रोसेस की किस तरह से कर सकते हैं, या अगर वीडियो बनवानी हो तो मैं वीडियो भी बना सकता हूं उसके लिए। तो स्मार्ट थिंग्स में आप ये ऑन ऑफ कर सकते हो। इसकी ब्राइटनेस लेवल जैसा मैंने आपको दिखाया कि आपको रीडिंग के लिए अगर चेंज करनी है और मूवी के लिए चेंज करना है तो आप एक रूटीन लिख सकते हो उसमें और उसका शॉर्टकट बनाकर अपनी स्क्रीन पर डाल दो। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो पिक्चर मोड पर आ जाएगा, दूसरे में तो मल्टीमीडिया मोड पर, तो उसमें कंट्रास्ट वगैरह काफ़ी उभर कर आती है। बाकी ये मॉनिटर HDR भी सपोर्ट करता है, विंडोज 10 में इसका ऑप्शन आता है। और उसके अलावा मेरे ख्याल से ये मॉनिटर सभी कुछ है इसमें, बस ये एक थोड़ी सी चीज़ मेरे को थोड़ी घबराहट देती है कि क्योंकि हर चीज़ ये इसके थ्रू ही चल रही है तो अगर ये अगर टूट टाट गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बाकी इसको मैंने स्मार्ट थिंग्स से भी एक्सेस कर लिया, तो सेम मॉनिटर मतलब सेम रिमोट आप स्मार्ट थिंग्स के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। तो आई होप मैंने ओवरव्यू दे दिया हो इसका। ये जितनी भी फीचर्स मैंने बताई है ये M5 में भी एप्लीकेबल है जो 32 इंच का इनका वेरिएंट है। तो कोई भी क्वेश्चन या कमेंट हो रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर मॉनिटर या उसकी फीचर्स वाइज तो आप मेरे को कमेंट कर पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आंसर करने की। एंड आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।